दूसरा सेशन है डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जिसके अंदर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे और उन रिसोर्सेज को देखेंगे भी। और ये सेशन लेंगे मैम, इंदु मैम हमारे साथ होंगी इस सेशन के लिए। अब मैं इंदु मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। और मैम, इंदु मैम, आर यू देयर? हाँ जी, Monica. Thank you and once again welcome all the participants to this session. This is about digital resources for teaching, learning and assessment. Forms, different types and formats. So let me share my screen so that we can right away start the session. Can you see? Super edit enabled. Just a moment. So let us start the session, digital resources for teaching, learning as and assessment, types and formats. Just a moment, my slide is not moving. Let me just, yeah. So what do we understand by digital resources? Let us understand that first. डिजिटल रिसोर्सेज आर ई टेक्स्ट, कोई भी ई टेक्स्ट है तो उसको हम डिजिटल रिसोर्स कह सकते हैं, बिकॉज ई टेक्स्ट इज अवेलेबल डिजिटली। वीडियो, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ फिक्शनल और नॉन फिक्शनल मीडिया और मल्टी मीडिया नरेशन। तो जब भी हम कोई चीज क्लास में भी जब हम लेसन ले रहे हैं तो वी आर नरेटिंग समथिंग, वी आर पुटिंग फोर्थ अ पर्टिकुलर आइडिया, अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड व्हेन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, तो वी आर कंबाइनिंग ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ रिसोर्सेज टू क्रिएट अ मीडिया, फिक्शनल मीडिया और मल्टी मीडिया नरेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस। तो क्या क्या फॉर्म्स हैं जो डिजिटल कंटेंट के, कौन कौन से तरीके के, कौन कौन से टाइप्स के डिजिटल कंटेंट्स हैं, तो यहाँ आप देखेंगे क्या क्या टाइप्स हैं। इसमें माइंड मैप्स हैं, मैप्स हैं, सिमुलेशंस हैं, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, ये सब टाइप के डिजिटल रिसोर्सेज हैं। ये लिस्ट अभी और कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ हम देखेंगे और क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो एनिमेशन है, कार्टून्स हैं, स्लाइड शोज हैं, टाइमलाइंस हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं। एक बार और मैं ये लिस्ट आपको प्रोजेक्ट करके दिखा रही हूँ, और इसमें से जो भी आपको लगे कि इसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये फॉर्म क्या है, तो वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उसके बारे में स्पेशली आपको बता दिया जाए। तो अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर मैं एंड में लूंगी। अभी इन बिटवीन के जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। तो ये लिस्ट आपके सामने है, माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, तो मेरे साथ डॉक्टर प्राची है, शी इज हेल्पिंग मी आउट विद दी सेशन, शी विल टेल मी कि कौन से आपके क्वेरीज आ रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लिस्ट में एनिमेशन है, कार्टून्स हैं, स्लाइड शोज हैं, टाइमलाइंस हैं, डायग्राम्स हैं,
फ्लो डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, केवल सिमुलेशन के बारे में. अच्छा ठीक है, माइंड मैप, इंफोग्राफिक्स और सिमुलेशन. ठीक है, आपको ये तीन तरह की क्वेरीज आई हैं. जैसे जैसे हम इस आगे बढ़ेंगे तो इसमें से ज्यादातर तरीके के रिसोर्सेज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट जरूर करूंगी. और साथ ही इसमें से बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज, ऑलमोस्ट काफी रिसोर्सेज आपको बनाने का बताया भी जाएगा. ठीक है, फ्लो डायग्राम्स आ रहा है, सिमुलेशन, फ्लो डायग्राम्स, टाइमलाइंस. ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या रिसोर्सेज किस किस तरीके के हैं. माइंड मैप के ऊपर भी एक क्वेरी आई थी, तो यहाँ हम देखेंगे सारे एग्जाम्पलरी कंटेंट, ये क्या क्या है डिजिटल कंटेंट. तो ये जो है ये माइंड मैप है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमेज, इट्स अ माइंड मैप. तो माइंड मैप होता क्या है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या पर्पस होते हैं, हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट और टॉपिक दिया हुआ है वो है कॉमन फूड ग्रुप्स. कॉमन फूड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे वेजिटेबल्स हैं और उसके सैंपल्स हैं, फ्रूट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं, और इसके बाद है ये सॉरी क्या आ रहा है, मेरा स्क्रीन इससे हाइड हो रहा है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. फिर इधर आप देखेंगे तो फिर ग्रेन्स, बीन्स एंड लिग्मस हैं, इसके अलावा डेयरी है, मीट है, कन्फेक्शनरीज हैं, और जो वाटर कंटेंट वाले फूड आइटम्स हैं, या इसमें ड्रिंक्स भी हैं, फूड्स भी हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है. तो माइंड मैप है जो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं टीचिंग लर्निंग पर्पस से या अपने आप के अंदर क्लैरिटी डेवलप करने के लिए, तो उसको लेके हमारे दिमाग में क्या इमेज है, हमारा अपना माइंड मैपिंग उसका क्या है, और उसको हम कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं. जैसे कि यहाँ पे है कॉमन फूड ग्रुप्स को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, लेकिन ये एक किसी और तरीके से भी कोई व्यक्ति कर सकता है. हो सकता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक साथ क्लब कर दे, मीट आइटम्स को एक साथ क्लब करें, डेयरी और जो है वो करें, और इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इसके साथ अगर हमें वीडियो अटैच करना है तो हम वीडियो भी अटैच कर सकते हैं. इसका पर्पस क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई लेसन पढ़ाना है, तो लेसन प्लान जिस तरीके से कन्वेंशनल लेसन प्लान होता था उसके बजाय हम इस तरह से एक माइंड मैप भी बना सकते हैं, और जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो लर्निंग उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम अनफोल्ड कर सकते हैं कि हम कैसे किसी भी टॉपिक पे जाके उसके सब टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और सब टॉपिक के ऊपर भी जो सब सब टॉपिक्स हैं फिर उनको रिवील करते हैं. तो ये एक लेसन प्लान की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की तरह से भी यूज कर सकते हैं माइंड मैप्स को. और माइंड मैप के लिए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें से दो का नाम मैं अभी आपको बता रही हूँ. फ्री माइंड है, फ्री प्लेन है, और एक यूवी भी माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर ही है, और इनमें से आपको डेमोन्स्ट्रेशन आने वाले सेशंस में दिया जाएगा ताकि आप इस तरीके के माइंड मैप्स बना सकें. तो ये माइंड मैप के बारे में कि हम एक लेसन को अनफोल्ड करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझने के लिए भी कर सकते हैं, और एक असेसमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. मान लीजिए हमने कोई एक टॉपिक पढ़ाया
तो उस टॉपिक को माइंड मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम बच्चों को एक असेसमेंट भी दे सकते हैं, एक असाइनमेंट दे सकते हैं, जिससे हमें बच्चे के दिमाग में वो टॉपिक किस तरह से इम्प्रिंट हुआ है, उसने कैसे उसको समझा है, वो आइडिया हमें मिलेगा और कहाँ उसके गैप्स हैं वो हमें पता चलेगा। तो इस तरह से माइंड मैपिंग को हम असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, टीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लर्निंग के लिए भी, तीनों पर्पस से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं कि फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको फ्लो डायग्राम का दिखाऊंगी और इसको हम इंफोग्राफिक की कैटेगरी में भी लग सकते हैं। कुछ तरीके के इस तरी वो डिजिटल कंटेंट है जिसमें थोड़ा सा माइनर फर्क होता है और वो दोनों कैटेगरीज में भी आ सकते हैं। इंफोग्राफिक बेसिकली होता है जहां इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक दोनों ही आते हैं, ग्राफिक के साथ इंफॉर्मेशन जहां कंबाइन होती है। और फ्लो डायग्राम जो होता है, फ्लो डायग्राम वो होता है जो एक कॉन्सेप्ट को का किस तरीके से एक लॉजिकल फ्लो होता है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम में इंफोग्राफिक के भी कंपोनेंट है और ये एक फ्लो डायग्राम भी है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं, ये फैमिली ट्री के बारे में है। तो यहां हम देखेंगे, और ये EVS का कंटेंट है, FLN का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का। तो यहां हम देखेंगे लर्निंग आउटकम दिया हुआ है इसके ऊपर, द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स विद एंड अमंग फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे तीन फैमिली ट्री हैं इसमें अगर हम देखेंगे तो, एक ये है, इसके बाद ये नेक्स्ट शालिनीज फैमिली ट्री और राजूज फैमिली ट्री, तीन फैमिली ट्रीज में हमने दिए हैं। तो यहाँ हम रानीज फैमिली ट्री अगर देखेंगे तो यहाँ सेंटर में रानी है, उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी के ऑफ स्प्रिंग्स हैं और नाना नानी के ऑफ स्प्रिंग्स हैं। तो ये किस तरह से डायग्राम फ्लो हो रहा है, रानी के पेरेंट्स हैं उसके मम्मी पापा, जो कि मम्मी नाना नानी की ऑफ स्प्रिंग है और पापा दादा दादी की ऑफ स्प्रिंग है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है। और दादा दादी की ऑफ स्प्रिंग कौन है, फूफा जी हैं और बुआ हैं, फूफा जी नहीं है, बुआ हैं, और इनका ऑफ स्प्रिंग है कजन। इसी तरह से नाना नानी के अगर हम और ऑफ स्प्रिंग्स को देखें तो मामा है, उनकी पत्नी मामी है, और जो कजन रानी की है वो रानी की कजन कौन है, यहाँ वो दिया हुआ है जो मामा मामी की ऑफस्प्रिंग है। और पापा मामी के, पापा और मम्मी के कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखते हैं कि यहाँ रानी है और उसका ब्रदर है। तो इस तरीके से रानी का फैमिली ट्री कंप्लीट होता है। लेकिन यही तो केवल रिलेशनशिप्स नहीं है, और भी रिलेशनशिप्स होते हैं जब हम एक फैमिली ट्री की बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तीन फैमिली ट्री दिए गए हैं, लेकिन तीन क्यों दिए, हम एक में भी दे सकते थे, एक में इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक जब भी हम कोई ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं हमें ये भी देखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को एडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नॉर्म, एक वैल्यू है स्मॉल फैमिली नॉर्म। अगर हम एक ही फैमिली ट्री के माध्यम से सारे रिलेशनशिप्स दिखाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म को डिफीट कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमने इसमें तीन फैमिली ट्री दिखाए। अब हम इस फैमिली ट्री में देखें तो ये शालिनी की फैमिली है जिसमें दादा दादी हैं, नानी नाना हैं, और यहाँ ताऊ जी हैं और ताई जी हैं, चाचा चाची नहीं है बल्कि बुआ नहीं है बल्कि ताऊ जी हैं और ताई जी हैं, और पापा मम्मी हैं, मामा मामी हैं, कजन हैं, और यहाँ ताऊ जी ताई जी हैं। नेक्स्ट फैमिली ट्री में अगर हम देखें तो ये राजू का फैमिली ट्री है, इसमें हमने चाचा चाची, पहले में बुआ दिखाया है, दूसरे में हमने ताऊ जी दिखाए हैं, तीसरे में चाचा जी दिखाए हैं, तो यहाँ मौसा मौसी दिखाए हुए हैं। तो इस तरीके से एक तीन फैमिली ट्री के माध्यम से जो विभिन्न
रिश्ते होते हैं एक परिवार में, उसको दिखाने की, डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से। तो ये तो था फ्लो डायग्राम। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म है डिजिटल कंटेंट का, ये एक और एग्जाम्पल है जो है डायग्राम का एग्जाम्पल। तो ये डायग्राम है, डिजिटल डायग्राम है, और इसमें हम देखेंगे कि वॉटरफॉल फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम डिजिटल कंटेंट डेवलप करना डिसाइड करते हैं कि हमें डिजिटल कंटेंट डेवलप करना है, तो हम अपने विम्स एंड फैंसीज पे नहीं जाएंगे कि मुझे ये टॉपिक पसंद है और इस पर मुझे एक इंफोग्राफिक बनाना है, इस टॉपिक पे मुझे एक एनिमेशन बनाना है। उसके लिए कंटेंट एनालिसिस करना भी बहुत आवश्यक है कि हम कंटेंट एनालिसिस करें। तो कंटेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें डिफरेंट विभिन्न प्रकार के हमारा कंटेंट से सामना होता है। कुछ कंटेंट होता है जो फैक्चुअल होता है, कुछ कंटेंट है कॉन्सेप्चुअल, कुछ कंटेंट होता है जो प्रोसीजरल होता है, और कुछ कंटेंट होता है मेटाकॉग्निटिव। फैक्चुअल कंटेंट वो कंटेंट है जहां केवल फैक्ट्स की बात करी गई है, जैसे राज्य और राजधानियां क्या क्या हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स क्या क्या हैं अर्थ पे, और उस पे देश पूरे विश्व में कितने देश हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं। तो ये अगर हम कंटेंट की बात करें तो ये सारी चीजें जो हैं फैक्ट्स हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल हैं, जैसे अर्थ स्फेरिकल है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है लेकिन हमें दिखाई देती है समतल। यहां हमें एक डिजिटल कंटेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें ये 3D विजुअलाइजेशन किया जा सके कि अर्थ सचमुच में स्फेरिकल है, गोल है, और वहां हमें 3D विजुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो प्रोसीजरल कंटेंट होता है जिसमें कुछ प्रोसेसेस दिखाए होते हैं, प्रक्रिया दिखाई हुई होती है, तो प्रक्रिया दिखाने के लिए क्या सूटेबल डिजिटल कॉन्टेंट है वो दिखाया गया होता है। और मेटाकॉग्निटिव जो हमें बहुत सारी बातें हैं जैसे वैल्यूज हैं और कुछ हमारे डे टू डे से रिलेटेड चीजें हैं जो हमें भावनात्मक स्तर पर ग्रहण करनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें किसी और प्रकार का डिजिटल कंटेंट की आवश्यकता होती है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, पर्पस को कैटर कर सके। तो यहाँ जो मैंने ये सारी बातें बताई इसलिए क्योंकि वॉटरफॉल फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको घटित होने में सदियों लग जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजरल कंटेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस सदियों में घटित होने वाली घटना को अगर नरेट करके कक्षा में बताएंगे बिना किसी डिजिटल कंटेंट के, तो शायद वो बच्चों को इतनी अच्छी तरह से ग्रहण हम ना करा पाए। लेकिन यहाँ एक ये बस छोटा सा डायग्राम है और इसका आप देखेंगे वॉटरफॉल फॉर्मेशन एनिमेशन, तो 40 सेकेंड से लेके 1.5 मिनट के आपको एनिमेशन भी मिलेंगे जो उतने से समय में सदियों में घटित होने वाली प्रक्रिया को हमारी आंखों के सामने प्रकट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक ICT इनेबल्ड लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमारा टाइम ज्यादा लगता है, हमें दिक्कत होती है बहुत सारी चीजों में, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे हमारा टाइम बचता ज्यादा है। तो यहाँ आप देखें इस डायग्राम में जो कि लेबल्ड डायग्राम है, इसमें हार्ड रॉक है सबसे ऊपर, उसके बाद सॉफ्ट रॉक है, और हार्ड रॉक के ऊपर से जब किसी स्रोत से पानी बहकर आता है तो वो सॉफ्ट रॉक को भी टच करता है, और सॉफ्ट रॉक क्योंकि सॉफ्ट है तो उसमें अंडर कटिंग फास्ट होती है। तो ये अंडर कटिंग होती है घिसते 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 घिसते, कुछ समय बाद जब ये ज्यादा घिस जाता है तो हार्ड रॉक का एक छज्जा सा बन जाता है, और उसके ऊपर जब वाटर प्रेशर काफी ज्यादा पड़ता है छज्जे पर और वो छज्जा अपने आप में भी घिस रहा है तो वो टूट के गिर जाता है। तो इसीलिए हम लोगों हिमाचल में जो लोग हैं वो वॉटरफॉल वहां बहुत उपलब्ध है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें वॉटरफॉल दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां वॉटरफॉल से
को बच्चों ने देखा भी नहीं होता है, तो उनके लिए विजुअलाइज करना और भी ज्यादा कठिन होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। शायद उन्होंने फिल्मों में या तस्वीरों में ही देखा हुआ होता है। तो जिन्होंने देखा है वॉटरफॉल, तो देखते हैं हम कि उसके नीचे बहुत सारे टूटी हुई चट्टाने पड़ी होती हैं। वो इसीलिए क्योंकि हार्ड रॉक टूट टूट के गिरती रहती है और उसके नीचे टूटी चट्टाने जमा होती रहती हैं। तो इस तरीके से क्रमशः धीरे धीरे एक वॉटरफॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितने थोड़े समय में हमने वॉटरफॉल फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो सदियों में घटित होती है एक फ्लो एक डायग्राम के माध्यम से समझ ली है। तो ये शक्ति है, ताकत है डिजिटल कंटेंट को यूज करने का। ये हम देखेंगे तो ये एक टाइमलाइन का एग्जांपल है। टाइमलाइन जहां भी हमें कोई भी घटनाक्रम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना होता है तो वहां हम टाइमलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड से हैं तो मैंने एक टाइमलाइन ऐसी सिलेक्ट करी है आपको दिखाने के लिए जो एजुकेशन से संबंधित हो, लेकिन टाइमलाइन का प्रयोग हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इस तरीके के विषयों में, सोशल साइंसेज में काफी होता है क्योंकि वहां बहुत सारे घटनाक्रम के बारे में हम अपने छात्रों को घटनाक्रम से परिचित कराते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी से परिचित कराते हैं, क्योंकि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है और उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ओवर पीरियड हुआ है। तो यहाँ 1972 में जब ईटी स्कीम लॉन्च हुई वहां से स्टार्ट करके उसके बाद और कौन कौन से इनिशिएटिव हुए, वो सब इनिशिएटिव की ईटी रिलेटेड या आईसीटी रिलेटेड इनिशिएटिव की इसमें को दिखाया गया है। तो यहाँ कब एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कब क्लास प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, फिर NEP 1986, उसके बाद NEP 1986 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन, फिर ICT स्कीम, ICT एट स्कूल स्कीम, रिवाइज्ड ICT एट स्कूल स्कीम, और उसमें नया क्या था, ICT अवार्ड का लॉन्च, ICT पॉलिसी 2012, NRORN ICT करिकुलम 2013 में लॉन्च किए गए, फिर डिजिटल इंडिया, ई पाठशाला और EPG पाठशाला 2015 में लॉन्च हुए, स्वयं MOOCs को लॉन्च किया गया और स्वयं प्रभा DTH चैनल और दीक्षा को लॉन्च किया गया 2017 में, 2018 में लॉन्च किया गया समग्र शिक्षा अभियान, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर स्कूल एजुकेशन, 2019 में गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, और 2020 में हम सभी जानते हैं जिसके ऊपर अभी हमें आने वाले वर्षों में काम करना है, NEP 2020, डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइंस एंड PM ई विद्या, ये तीन इनिशिएटिव 2020 में लॉन्च किए गए और इन्हीं के तहत अभी मेजर ICT इनिशिएटिव के दिशा में और एजुकेशनल इनिशिएटिव की दिशा में पूरा देश कार्यरत है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक टाइमलाइन की मदद से हमने 1972 से लेके 2020 तक का जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम देख लिया, समझ लिया और इसके माध्यम से हम उसे एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है कार्टून्स। हम कार्टून्स की बात करते हैं तो यहाँ है कि किस तरीके से जो अर्थ पे स्पेशीज हैं वो आते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्टून के माध्यम से इसको दर्शाया गया है कि जैसे एक समय में डायनासोर हुआ करता था, बट डायनासोर इज मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स, और यहाँ देखेंगे कि एक डायनासोर की तस्वीर पेड़ पे टंगी है और अन्य जानवर उसको देख रहे हैं और दे आर वंडरिंग कि ये कौन सा जानवर है जो कभी हुआ करता था, हमारे बीच अभी तो देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके का जो कंटेंट है एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है टू टेक दी स्टूडेंट्स थ्रू अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कैसे स्पेशीज खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, लेकिन एक कार्टून की मदद से हम एक ट्रिगर तो करते हैं स्टूडेंट्स को उस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के ऊपर सोचने के लिए और आगे और
जिज्ञासा पैदा करने के लिए और क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए. तो कार्टून उसके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है. एनसीईआरटी की किताबों में भी आपने देखा होगा कि कार्टून का एक विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया है, जिसमें कि हम बहुत सारी घटनाओं के बारे में जो कि घटित हो चुकी हैं उनका इतिहास को जानने के लिए उस समय की प्रक्रिया और उस समय क्या सोच चल रही थी उसको समझने के लिए इन कार्टून्स का प्रयोग कर सकते हैं. एक कार्टून से संबंधित कंट्रोवर्सी भी थी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के से अवगत कराने के लिए वह कार्टून उस दौरान निर्मित किया गया था. खैर, वो कंटेंट एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी चीज का तो उसके और भी बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट होते हैं. उन पर हम इतना ना जाके वो कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उससे क्या रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं इसके ऊपर ध्यान दें तो वो ज्यादा उचित होता है. यहाँ आपको एक छोटी सी कॉमिक स्ट्रिप है जो है एसिडिटी के बारे में वो है. तो यहाँ मैं ये प्ले कर रही हूँ और हम देखें कि कॉमिक स्ट्रिप जो कि बहुत एक ये बहुत छोटी सी शॉर्ट कॉमिक स्ट्रिप है और इस कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह से एसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और एसिडिटी क्यों होती है और एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं. किल द एसिडिटी, ये टाइटल है इसका. तो यहाँ हम देखेंगे कि ये दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं. जो लड़का है उसके स्टमक में एक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और लड़की रिया उसे बताती है कि ये एसिडिटी की वजह से है. तो जो लड़का है वो पूछता है कि एसिडिटी, तो एसिडिटी तो एसिड तो कोरेसिव होते हैं तो इससे तो हाँ. तो रिया कहती है कि हाँ, अगर हमारे स्टमक में जो एसिड होता है अगर वो किसी वुड के पीस पे गिर जाए तो उस वुड में छेद भी हो सकता है. तो लड़का पूछता है कि भाई तो फिर मेरे पेट में भी क्या छेद हो जाएगा. तो लड़की बोलती है कि नहीं, एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे स्टमक में जो एक म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और जिससे हमारे स्टमक की वॉल कोट हो जाती है जो हमें एसिड के हार्मफुल इम्पैक्ट से, उतने हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाती है. तो मुझे क्या करना चाहिए एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए. तो बताती है हम एंटासिड ले सकते हैं और दूध भी एक एंटासिड है. दूध पीने से भी एसिडिटी से हमें रिलीफ मिलती है. दूध पीने के बाद बच्चे को एसिडिटी से रिलीफ मिल जाती है. तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है ऐसी कॉमिक स्ट्रिप बनाने का. और आप ये ड्राइंग भी देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति इन ड्राइंग्स को बहुत आसानी से, बच्चे भी बना सकते हैं. तो ये ड्राइंग बनाई, थॉट बबल बनाया गया और इनको एक स्लाइड में प्लेस कर दिया गया. स्लाइड में हम जैसे एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे मेरी ही ये आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ऐसे हम प्रेजेंटेशन की तरह इसको बनाते हैं. लेकिन सेव करने से पहले हम हर स्लाइड पे हम कितना टाइम रुकेंगे वो टाइम सेट करते हैं और एंड में उसको अगर हम सेव एज वीडियो करते हैं तो हम इस तरह की कॉमिक स्ट्रिप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. पावर पॉइंट 13 जो है उसमें ये सुविधा उपलब्ध है और उसके बाद के जो भी लेटेस्ट पावर पॉइंट है उसमें ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अपने स्लाइड शो को, स्लाइड्स को, अपने प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव एज वीडियो करें तो ऐसी कॉमिक स्ट्रिप आप निर्मित कर सकते हैं. ये है एक छोटा सिमुलेशन. आप लोगों ने सिमुलेशन के बारे में भी पूछा था जिसमें एक 2D या 3D तरीके से एक प्रक्रिया को सिमुलेट करके उसकी एक नियर टू रियल इमेज हमारे आगे प्रस्तुत होती है. तो यहाँ हम देखेंगे अमीबा जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है. तो ये डाइजेशन की प्रक्रिया देखेंगे कि कैसे होती है. तो यहाँ लाइजोम दिखाया गया है और बाकी चीजों की लेबलिंग करके किस तरह से लाइजोम उसके फूड में जाकर
डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करता है और डाइजेशन होता है। तो ये सिंपल छोटे से सिमुलेशन से हम एमीबा में डाइजेशन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये भी एक सिमुलेशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें फिर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसके बारे में हम ज्योग्राफी में छात्रों को पढ़ाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का किस तरीके से ज्वालामुखी फटता है, उसके फटने की प्रक्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होता है। तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर बच्चा देख नहीं सकता है, उसके आसपास के पर्यावरण में जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी हो। तो यहां भी जब किसी चीज को हम 3D विजुअलाइजेशन करा के दिखाना चाहें तो सिमुलेशन का हम प्रयोग करते हैं। और सिमुलेशन का अर्थ है किसी भी फिनोमिना की जो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है नियर टू रियल, अगर हम इमेज दिखा पाते हैं, रियलिटी के काफी करीब तस्वीर जब हम दिखाते हैं तो वो हम सिमुलेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। आप सबने या आप में से काफी लोगों ने प्लैनेटोरियम्स भी विजिट किए होंगे जिसमें कि इस यूनिवर्स की एक सिमुलेटेड इमेज होती है, वो रियल तो नहीं होती लेकिन नियर रियल के काफी नियर होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिमुलेशन के, क्योंकि आपने सिमुलेशन के बारे में पूछा था। एक मैंने एमीबा में डाइजेशन का सिमुलेशन दिखाया, वॉल्केनिक इरप्शन का मैं दिखाने जा रही हूँ, और मैंने आपको नेहरू प्लैनेटोरियम का या प्लैनेटोरियम्स जो है प्लैनेटोरियम्स का एग्जाम्पल दिया कि प्लैनेटोरियम भी एक प्रकार का सिमुलेशन होते हैं। और ये प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से सिमुलेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। एक और ऐप बायो डिजिटल ह्यूमन आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो साइंस से संबंधित हैं, जैसे श्वसन प्रक्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके ऐप बेस्ड सिमुलेशन हमें मिलते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि डाइजेशन कैसे खाना खाने से स्टार्ट होता है और किस तरह से हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है, और उससे पहले उनके बीच की क्या प्रक्रिया होती है डाइजेशन में, वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और शरीर के अंदरूनी और भी बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में ऐसे ऐप बेस्ड सिमुलेशंस उपलब्ध हैं। तो यहाँ हम इस सिमुलेशन को देखते हैं। ये एक ऑग्यूमेंटेड रियालिटी का भी एग्जाम्पल है, ये पहले देख लीजिए उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। बर्फ से ढका ज्वालामुखी कैसा होता है, समर्स में वो कैसा दिखता है, उसकी अंदरूनी आकृति क्या होती है, और जब फटता है तो कैसा प्रतीत होता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल और देखा सिमुलेशन का।
ये एक ऐप है जिसका नाम है क्यूअर. यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ इसके नीचे QUIVER क्यूअर. और ये एक वेबसाइट भी है जहां पर आपको इस तरीके की शीट मिलेगी. ऐप आपको इंस्टॉल करना है और इस तरीके की शीट्स का हम प्रिंट ले सकते हैं. और उन शीट को जब हम ऐप से में पहले सेव करेंगे, स्कैन करके रख लेंगे, और जब हम फाइनली 3D देखने के लिए स्कैन करेंगे तो आपको इस तरह का 3D आउटपुट मिलेगा ऐप के माध्यम से और शीट को स्कैन करके. ये तो ऑलरेडी अवेलेबल चीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके के ऑग्यूमेंटेड रियलिटी सॉल्यूशंस NCERT हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग. और NCERT की 9वीं 10वीं की किताबों से ये कार्य शुरू किया गया है. वो सारे ऐसे डायग्राम्स कॉन्सेप्ट्स जहाँ 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत थी उनको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के रूप में डेवलप किया गया है और हम उनके इसी तरीके के आउटपुट देख सकते हैं. और लेकिन अगर आपको इसको एक रेडी अवेलेबल मटेरियल की तरह यूज करना है तो आप क्यूअर से यूज कर सकते हैं. और हम वहां पर कुछ अलग अलग वैरायटी ऑफ कंटेंट है जिसमें एजुकेशनल एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज हैं. एजुकेशनल कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको बहुत सारे फ्री शीट्स भी मिलेंगे और पेड शीट्स भी मिलेंगे. तो आप जैसा चाहें आप पेड शीट्स भी खरीद सकते हैं और फ्री शीट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं. यहाँ हम देखेंगे कि एक इमेज है जो ड्रॉ की गई है और इस इमेज में यहाँ एक गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की गई है. तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स छुपे हुए हैं. तो जब भी बच्चों को हमें इनसे ओरिएंट कराना है तो वी कैन प्रोजेक्ट सच इमेजेस एंड टॉक अबाउट देम, आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाइड व्हाट ऑल इज देयर इन अ पर्टिकुलर इमेज. सिमिलर एग्जांपल ये है जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड प्ले आर्टिकल छुपे हुए हैं और ये हमें बहुत विविध प्रकार की लर्निंग की तरफ हम बच्चों को इसके माध्यम से ले जा सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वी कैन टॉक अबाउट द रूल्स फॉलोड फॉर अ पर्टिकुलर और डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द प्ले इक्विपमेंट्स, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनके बारे में, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि भारत के कितने किस किस व्यक्ति ने किन किन खेलों में कौन कौन से पदक जीते हैं, महिलाओं ने क्या पदक जीते हैं. और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं और बच्चों को खेलने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से एक इमेज, एक गेमिफाइड इमेज हमें बहुत सारे जिज्ञासाओं को जागृत भी करती है और बहुत सारी जिज्ञासाओं के ऊपर हम चर्चा भी कर सकते हैं. फोटोग्राफ्स को किस तरीके से हम एक लर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं. हम कहीं भी जाते हैं अपने पर्सनल ट्रिप पे या एजुकेशनल ट्रिप पे तो हम आजकल तो मोबाइल फोन में ही कैमरा उपलब्ध है. हम बहुत सारे प्रकार के फोटोग्राफ्स खींचते हैं, लेकिन हमें जब भी हम फोटोग्राफ लें तो हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि क्या हम इस फोटोग्राफ को एक लर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से फोटोग्राफ्स को एक लर्निंग रिसोर्स बनाया जा सकता है. अगर आपका शौक है फोटोग्राफी तो आप एनिमल सेंचुरीज विजिट करते हैं, बर्ड सेंचुरीज विजिट करते हैं, तो उनपे फोटोग्राफ लेकर हम थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करके उनको एक लर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं. ये जो हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे वो उसी का एग्जाम्पल है.
ये अभी सॉरी ये प्ले नहीं हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग एट इट अगेन. तो ये आइडिया हमें समझ में आ गया है कि क्या है. जैसे ये सब फोटोग्राफ्स हैं और इन पे थोड़ा रिसर्च करके कि ये भी जो भी हम बर्ड्स एंड एनिमल्स देख रहे हैं उनका नाम क्या है, उनका साइंटिफिक नेम है वो क्या नेम है, अगर कोई अल्टरनेटिव नेम है तो वो नेम क्या है, हैबिटेट क्या है और इनकी माइग्रेटरी हैबिट्स क्या है. तो ये पांच आस्पेक्ट इन फोटोग्राफ्स के कवर किए गए हैं. नेम, साइंटिफिक नेम, अल्टरनेटिव नेम, जहां जहां भी जो सूटेबल है, हैबिटेट ये कहाँ रहते हैं और इनकी अगर कोई माइग्रेटरी हैबिट्स हैं तो वो माइग्रेटरी हैबिट्स क्या हैं. तो इस तरीके से एक सिंपल फोटोग्राफ को हम एक वैल्यू ऐड करके उसमें परिवर्तित कर सकते हैं. तो इसमें साउंड पहले नहीं था, अभी साउंड ऐड किया है. सॉरी आई फॉरगॉट टू ऐड साउंड. तो मैं वॉल्केनिक इरप्शन वाला एक बार और आपको प्ले करना चाहती हूँ फॉर सम टाइम सो दैट यू कैन गेट द एक्सपीरियंस ऑफ साउंड इट हैड. So I will play it again.
ये शीट स्कैन हो रही है यहाँ पर मोबाइल ऐप से. स्कैन होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू 3D. अब हम देखेंगे एक एनिमेशन का एग्जाम्पल जो बहुत ही सिंपल ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन है. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि. लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स. वी ऑल सी ट्रैफिक सिग्नल्स व्हेन वी आर ऑन द रोड. व्हाट डू यू थिंक दीज ट्रैफिक सिग्नल्स आर फॉर? ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प एवरीवन यूजिंग द रोड to know when they have to stop, wait, or go. There are three lights of different colors in the traffic signal. These are red, amber or yellow, and green. Each color has a special meaning. For drivers, red light means stop your vehicle. Amber light means wait, and green light means go. Pedestrians must only cross a road when the traffic signal is red. This is the time when vehicles have stopped to let people safely cross a road. Sometimes we see the figure of a man on the traffic signal. This signal is for pedestrians. When this man turns green, it means we can safely cross the road from the zebra crossing. When the man turns flashing green or red, we must wait until the man turns green again. We must always cross the road with an adult and we must hold their hand while on the road. So friends, always remember, safety first. Bye. तो ये हमने देखा एक एनिमेशन का एग्जांपल जो सिंपल 2D एनिमेशन है. इट्स नॉट 3D एनिमेशन. इसमें सिंपल आई मूवमेंट्स, चलने के मूवमेंट्स, व्हीकल्स मूव होने के मूवमेंट्स दिखाए गए हैं जिसके लिए हमें ग्राफिक बनाने पड़ते हैं और फिर उसको एक मूवमेंट हमें इसमें ऐड करना होता है. एक और अलग फॉर्म है एनिमेशन का जो स्टॉप मोशन एनिमेशन होता है. वो एक और रिसोर्स दिखाने के बाद आई विल शो यू एन एग्जाम्पल और अगले सेशन में भी आप दूसरा स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जाम्पल देखेंगे और इस पर एक कंप्लीट सेशन भी होगा हमारा एनिमेशन पे भी. और स्टॉप मोशन एनिमेशन के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे और हैंड्स ऑन करेंगे कि किस तरह से एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हम एनिमेशन बना सकते हैं. स्टॉप मोशन स्टूडियो एक ऐप है जिससे हम खुद भी, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे एनिमेशन बना सकता है. इसका कंप्लीट डेमो के माध्यम से आप देखेंगे. तो आप सभी स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप अपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें ताकि उस सेशन के दौरान जब आपको इसका डेमो दिया जाए तो आप एनिमेशन बना पाए और चाहें तो आप उसको एक असाइनमेंट की तरह सबमिट कर सकते हैं. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि. अब हम अगले रिसोर्स की तरफ चलते हैं. तो ये है इंटरैक्टिव ई कंटेंट. एक सॉफ्टवेयर है H5P, उससे हम इंटरैक्टिव ई कंटेंट बना सकते हैं. और यहाँ हम देखेंगे कि इसको, पिछला वाला जो रिसोर्स था वो रोड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से बच्चों को परिचित कराने के लिए था
और ये हम असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और टीचिंग लर्निंग के लिए भी, जो कंटेंट अभी हम देखने जा रहे हैं. एंड इट इज मोर सूटेबल फॉर गेमीफाइड असेसमेंट. असेसमेंट के साथ अगर हम गेमिफिकेशन भी ऐड कर देते हैं तो वो एक अच्छा इंगेजिंग असेसमेंट एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए, खास करके अगर बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे हैं या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लर्नर्स हैं. तोल कर बोल. तराजू पर रखे हुए सामान को तोलने के लिए उतने भार के बाट को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखें. दोबारा प्रयास करें. बहुत अच्छे. Arrange numbers on the ladder in ascending and descending order. Well done. Well done. Well done. Oops, try again. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Identify the occupation. Write the name of occupation in the blank space. Well done. देखें और पहचानें. क्लू को पहचान कर सही विकल्प पर क्लिक करें. शांग नाम की यह सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई. यहाँ के लोगों ने लेखन, रेशम के कपड़े, ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की. बहुत अच्छे. चूचू करती आई चिड़िया, जल्दी नाम बताओ भैया. पक्षियों के सही नाम को पहचाने. बहुत अच्छे. बस बाद में लेते. तो यहाँ हमने देखा कि गेमीफाइड असेसमेंट के लिए हम किस तरीके का डिजिटल कंटेंट प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ हमने विभिन्न विषयों में गेमीफाइड कंटेंट देखा, ईवीएस में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में. ये एक H5P सॉफ्टवेयर है, उससे निर्मित किए गए गेमीफाइड इंटरैक्टिव कंटेंट है, और इसके ऊपर आपका एक कंप्लीट
सेशन विद हैंड्स ऑन होगा। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके उस सेशन में उनके जवाब भी दिए जाएंगे, डेमो भी होगा और आप खुद हैंड्स ऑन करके उसमें कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक पूरा सेशन है इस तरह के। जो भी कॉम्प्लेक्स कुछ कंटेंट है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है, उनके सॉफ्टवेयर और उनका डेमोन्स्ट्रेशन का प्रबंध इस ट्रेनिंग के दौरान किया गया है और H5P का डेमो भी आपको सेपरेटली मिलेगा। H जो लेटर है अंग्रेजी का, 5 न्यूमरल और P अगेन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट H5P। और ये एक HTML फाइल के रूप में हम सेव कर सकते हैं। जितने भी वीडियो हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनका फॉर्मेट होता है MP4, ऑडियोज का जो फॉर्मेट होता है MP3 होता है। तो इस तरीके से इन फॉर्मेट्स में हम इन कंटेंट को सेव कर सकते हैं और दीक्षा के लिए ये कॉम्पेटिबल होते हैं। तो यहाँ हमने गेमिफाइड असेसमेंट देखा। नेक्स्ट हम आते हैं, हालांकि एक कंप्लीट सेशन हमारा होगा ICT कंटेंट पेडागोजी इंटीग्रेशन पर, लेकिन यहाँ मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी कि आप डिजिटल कंटेंट का प्रयोग किस किस तरीके से, कैसे कैसे अपने टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 तरीके से हम इन डिजिटल कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं, प्री लेसन, मिड लेसन एंड पोस्ट लेसन। अगेन हमें अपना पेडागोजिकल प्लान बनाना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और कंटेंट किस तरीके का हम पढ़ाने जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा और तब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कंटेंट या जो लेसन की डिमांड है और उसके लिए जो हमने डिजिटल कंटेंट का चुनाव किया है, क्या हम उसको प्री लेसन यूज करने जा रहे हैं या मिड लेसन में यूज करने जा रहे हैं या कि हम उसे पोस्ट लेसन यानी कि लेसन के बाद यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई हम प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, कक्षा में किसी प्रकार की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो हम उस कंटेंट को जहां उस प्रक्रिया को दिखाने का इंस्टेंस आता है तो मिड लेसन हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम वॉल्केनोस की बात कर रहे हैं, आप सीधे तो डिजिटल कंटेंट दिखाएंगे नहीं, पहले आप वॉल्केनोस के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर वो होता कैसा है उसका यूज करेंगे। तो ये मिड लेसन यूज भी हो सकता है। प्री लेसन जहां पर भी हम फ्लिप्ड क्लासरूम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम चाहते हैं बच्चे कोई कंटेंट देखकर आए और फिर क्लासरूम में हम उस पर चर्चा करें, तो वो प्री लेसन हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कंटेंट, उस कंटेंट को देखकर बच्चे आएंगे और उससे संबंधित सवाल पूछेंगे, इससे भी हमारा टाइम बचता है। पोस्ट लेसन भी हम कोई कंटेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी वैल्यू रिलेटेड कंटेंट की बात करी है, वैल्यूज के ऊपर बात करी है या किसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर, घटनाक्रम के ऊपर हमने बात करी है, इतिहास के किसी समय विशेष के बारे में छात्रों के साथ चर्चा की है, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो प्रोग्राम्स और फिल्म्स उपलब्ध हैं जो हम उनको समझने के लिए, पोस्ट लेसन देखने के लिए कह सकते हैं और फिर से उन पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे भारत एक खोज एक पूरी सीरीज है जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जहां जहां हम जो एपिसोड इतिहास का बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं तो उसके विषय में हम उन्हें बाद में वो फिल्म या वो कार्यक्रम देखने के लिए कह सकते हैं। ये हम प्री लेसन भी कर सकते हैं और पोस्ट लेसन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही हो सकती है। तो एक कल्मिनेटिंग एक्टिविटी की तरह भी हम प्रयोग कर सकते हैं और एक स्टार्ट पॉइंट की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं इन विभिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट का। अब मैं स्टॉप शेयर करती हूँ फॉर अ मिनट, ये प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हो गई है। इस एक स्टॉप मोशन का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद क्योंकि हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी और अडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो दीक्षा पे
एनसीईआरटी ने क्या वर्टिकल डेवलप किया है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का, और वहाँ किस किस प्रकार के कंटेंट उपलब्ध हैं, हम उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर अगर कुछ और रह गए हैं तो हम उन क्वेश्चन आंसर के बारे में भी चर्चा करेंगे. तो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन टू शो यू वन स्टॉप मोशन एनिमेशन जिसका सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाया जाएगा. मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रहा है और साउंड भी आ रहा है. मैम स्क्रीन में सिर्फ वो दिख रहा था फोल्डर. करते हैं जी मैम. अभी मैं अब तक जो क्वेश्चन आए हैं उनका जवाब देके फिर हम दीक्षा पे जाएंगे एंड आई विल टेक यू थ्रू द एफएलएन रिसोर्सेज ऑन दीक्षा एंड सम ऑफ द एडल्ट एजुकेशन रिसोर्सेज आल्सो. तो हाँ, एक तो आया है कि सिमुलेशन और एनिमेशन में क्या फर्क है. सिमुलेशन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना जो होता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जिसको हम बहुत बार अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, ऐसे कंटेंट, और ऐसे कंटेंट जो हम अगर हम देख ही नहीं, हर व्यक्ति देख ही नहीं सकता, जैसे कि कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का, अर्थ के स्फेरिकल होने का, तो ये क्या कोई एक आम व्यक्ति या हर बच्चा देखने का उसको मौका मिलता है? केवल उन्हीं लोगों को देखने का मौका मिलता है जो आगे जाकर एस्ट्रोनॉट बनना चूज करते हैं, और उनमें से भी जो स्पेस ट्रैवल करते हैं वही, वो भी उसका थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं,
जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, और अर्थ वहां से कैसी दिखाई देती है, चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, ये सब एक्सपीरियंस हर एक को नहीं मिल सकता। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का नियर टू रियल जब हम इमेज दिखाते हैं या एक एक्सपीरियंस बच्चों को देते हैं तो वो सिमुलेशन होता है, इट्स नॉट रियल बट नियर टू रियल। और एनिमेशन हम किसी भी कॉन्सेप्ट को मनोरंजक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, बच्चों की जिज्ञासाएं जागृत करने के लिए, रोचकता देने के लिए हम एनिमेशन बनाते हैं, जिसमें कोई भी 2D या 3D मूवमेंट होता है वो मूवमेंट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने रोड सेफ्टी वाला एनिमेशन देखा, वो ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन था जिसमें चित्र ही बनाए गए और उनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिया गया। ये जो स्टॉप मोशन एनिमेशन है ये CIT में ही निर्मित हुआ है, और एक टेबल पे कागज बिछा के उसके ऊपर मड लगा के तब ये पूरा एनिमेशन क्रिएट किया गया, और उसके फोटोग्राफ क्लिक करके ये तो आपको सिखाया जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं। तो एनिमेशन में हम बस मूवमेंट दिखाते हैं, किसी पात्रों का भी मूवमेंट हो सकता है, किसी वस्तु का मूवमेंट हो सकता है जो मूव करती है, जैसे यहाँ आग किस तरह से उसकी फ्लेम है, छोटे छोटे कटआउट करके उनको एनिमेट करके हमने ये दिखा दिया। लेकिन सिमुलेशन में कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का नियर टू रियल, वास्तविकता के काफी करीब हम एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात से स्पष्ट कर चुकी हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। एनिमेशन रियल नहीं लगता है, एनिमेशन में तो बहुत सारी विधाएं हैं, कहीं हम उसको कार्टून की तरह पेश करते हैं, कहीं हम रियल व्यक्तियों की तरह भी पेश करते हैं, और कहीं कहीं हम पपेट बनाकर उनको भी एनिमेट कर सकते हैं। तो वो रियल के करीब तो नहीं होता, रियल नहीं होता है, एनिमेटेड होता है, और उसमें रोचकता जागृत करने के लिए। तो ये कुछ है, लेकिन एनिमेशन पे भी आपका एक कंप्लीट सेशन होगा जिसमें आप एनिमेशन के न्यूएंसेस समझेंगे, और इट विल बी फॉलोड बाय गिविंग यू एन एक्सपोजर टू दिस स्टॉप मोशन एनिमेशन सॉफ्टवेयर। सो दैट इज इट। Now I would request my colleague Dr. Prachi to project her screen and take us through Deeksha portal where FLN contents are there. NEP 2020 में हम सबको पता है कि एक वो हमारे आगे प्रस्तुत करती है एक नया करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं एक फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज है। तो FLN को एक मिशन की तरह से हमें लेकर आना है, इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में जब बच्चा लैग करता है तो उसके आगे की पूरी स्कूलिंग उससे हैम्पर होती है, उससे बाधित होती है, क्योंकि बच्चा दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक है, उसका IQ भी ठीक है, पर क्योंकि उसने लिटरेसी का उसका एक्सपोजर या उसमें उसने महारत हासिल नहीं की है, पढ़ने में लिखने में महारत हासिल नहीं कर पाया है, तो वो उसने जो सीखा उसका पोर्ट्रेल नहीं कर पाएगा, उसको लिख नहीं पाएगा, उसको भाषा में सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आगे की विद्यालयी प्रक्रिया को, स्कूली प्रक्रिया को बाधित होने से रोकने के लिए हमें बच्चों को जो फाउंडेशनल स्टेज का लर्निंग है जिसमें न्यूमेरेसी, लिटरेसी और हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता भी उसका एक पहलू है, और अपने हेल्थ एंड वेलबींग को इंटैक्ट रखना भी उसका एक पहलू है, क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं फ्यूचर की स्कूलिंग को सही दिशा में सही तरीके से ले जाने के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम दीक्षा पोर्टल पर हैं, और जब हम आगे क्लिक करेंगे तो ये
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का निपुण भारत मिशन का आपको बैनर देखने को मिलेगा और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसका मेन कंसर्न है निपुण भारत का। तो एक्सप्लोर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रीन मिलेगा। अभी हो रहा है, लोड हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे, जरा इसको हम स्क्रॉल करेंगे डाउन, तो निपुण भारत से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है, आप जरा एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट का ड्रॉप डाउन मिलेगा। हाँ, ये FLN मिशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, निपुण भारत की एक फ्लिप बुक मिलेगी, विद्या प्रवेश डॉक्यूमेंट मिलेगा एंड क्रेडिट एंड लाइसेंसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट की बात हुई। अगर हम बैक जाएं, वापस लेट अस गो बैक, यहाँ निपुण भारत मिशन जब लॉन्च हुआ था उससे संबंधित वीडियोज हैं वो उपलब्ध हैं, वो हम देख सकते हैं। इसमें लॉन्च वीडियो में चाहूंगी कि हम प्ले करके देखें, अगर अनइंटरप्टेड चलेगा तो। They face a challenge while learning as they have not been provided with foundational learning skills, reading and numeracy. Foundational Literacy and Numeracy, or FLN, refers to a child's ability to read with meaning and solve simple mathematical problems. A strong foundation of basic reading and numeracy at the foundational level enables children to develop the ability to read and learn fluently in the long run. Class 3 is considered to be the crucial stage by which children are expected to have acquired these skills. However, in India, statistics show that 33% of students in class 3 cannot read small text with comprehension. So, ye video hai. यहाँ हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 5 रीजनल वर्कशॉप्स की थी टू ओरिएंट दी स्टेट्स एंड यूटीज ऑन निपुण भारत एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसमें सब स्टेट्स एंड यूटीज क्या कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन प्लान है, उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं इन प्रेजेंटेशन को देख के। फिर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम देखेंगे दिया हुआ है अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और फिर आपको रिसोर्स एक्सप्लोरेशन का अवसर मिलता है जहां एक्सप्लोर डेवलपमेंटल गोल वाइज ई कंटेंट। तो अगर हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करें तो 3 डेवलपमेंटल गोल के अराउंड ये सारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुना गया है, इसको वीव किया गया है। तो पहला गोल क्या है, पहला गोल है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये बच्चों की हेल्थ से संबंधित है। दूसरा गोल है चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, ये भाषा से संबंधित है। जब हम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो इसमें जो NCERT का टेनेंट है उसके ऊपर तो इंग्लिश और हिंदी के कॉन्टेंट है जब हम भाषा की बात करते हैं, लेकिन स्टेट वहां अगर कोई रीजनल लैंग्वेज यूज की जाती है तो उस भाषा में भी कंटेंट निर्मित कर सकते हैं इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज में। इसके बाद है गोल 3, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो यहाँ मैथ्स के आउटकम्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज के आउटकम्स उपलब्ध हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन 3 लर्निंग गोल के अराउंड जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से संबंधित कंटेंट है। और नीचे स्क्रॉल करके एक बार पूरा दिखा देते हैं उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमें FLN के कोर्सेज पे भी जाना है तो इस पेज से भी हम FLN के कोर्सेज कर सकते हैं जो कि अभी चल रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कोर्स निष्ठा ऑन दीक्षा के तहत, तो यहाँ से हम वहां भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रिसोर्सेस, यू कैन क्लिक ऑन एनी क्लास वेयर वी कैन शो रिसोर्सेस। तो हम क्लास 3 डेवलपमेंटल गोल 3 देखते हैं जहाँ की
पर्यावरण अध्ययन ईवीएस और मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे एक इसके दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड में इस लर्निंग गोल के सारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, कोडिफाइड लर्निंग आउटकम्स हैं, उनकी लिस्ट हमें देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड का जो विंडो खुला है उसमें पहला रिसोर्स बाय डिफॉल्ट होगा इस डेवलपमेंटल गोल से रिलेटेड जो की कॉम्पिटेंसीज हैं, वो की कॉम्पिटेंसीज। तो जब हम किसी भी लर्निंग आउटकम पर क्लिक करेंगे जिसके साथ अभी हमने रिसोर्स मैप किया है, तो रिसोर्सेज का ड्रॉप डाउन मिलेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लेयर है उसमें वो रिसोर्स हम प्ले करके हमें देखने को मिलेगा। सो लेट अस क्लिक ऑन टू एनी लर्निंग आउटकम। तो हम क्लिक कर रहे हैं आइडेंटिफाई सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ लीव्स ट्रंक्स एंड बार्क्स ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड बर्ड्स इन इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये लर्निंग आउटकम है। और जो चार प्रकार के रिसोर्सेस अभी FLN के हैं उसमें इंफोग्राफिक है, वर्कशीट है, असेसमेंट शीट्स है और बाइट साइज वीडियोस हैं। जब हम बाइट साइज वीडियो की बात करते हैं तो वो एक स्नैपशॉट में किसी भी लर्निंग आउटकम को पार्शियली या कंप्लीटली हमारे आगे डिपिक्ट करता है। बाइट साइज वीडियो बहुत छोटे साइज के, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 30 सेकेंड से लेके ये 5 मिनट तक के मैक्सिमम हो तो अच्छा है, क्योंकि जो हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं वहां बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर ये बच्चों के लिए कंटेंट है। और अगर ये शिक्षकों के लिए भी कंटेंट है तो क्योंकि वो उस एज के बच्चों के साथ ही बात कर रहे हैं, तो हम बाइट साइज वीडियो के माध्यम से ही एक्सप्लोर करें, डीमिस्टिफाई करें लर्निंग आउटकम्स को, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ अब हम देखते हैं एक इंफोग्राफिक का एग्जाम्पल। पहले इससे 3 रिसोर्सेज मैप्ड हैं, असेसमेंट शीट, वर्कशीट और इंफोग्राफिक। तो ये हम देखेंगे शेप ऑफ लीफ इसमें दिखाया गया है। आगे इस पर हम बढ़ेंगे कि कलर की बात की गई है, जहां हम स्पेसिफिकली कलर की बात कर रहे हैं। और अगर हम टेक्सचर भी देखना चाहें तो अभी और इंफोग्राफिक इससे संबंधित बने हैं जो मैप हो जाएंगे, जो लीफ के टेक्सचर को भी डिपिक्ट करते हैं। अरोमा हम किसी एक वर्कशीट है उसमें दे सकते हैं एक एक्टिविटी, कि वो सूंघ के देखें कि लीव्स का अरोमा कैसा होता है। कुछ लीव का अरोमा वैसा ही होता है जैसा कि उस पेड़ पर फल लगता है। जैसे अगर हम अमरूद के पत्ते को सूंघें तो हम देखेंगे उसमें अमरूद जैसी ही स्मेल आती है। जामुन के पत्ते को सूंघेंगे तो जामुन जैसी स्मेल आती है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के अरोमा हो सकते हैं। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस की तरफ हम इन लर्निंग रिसोर्सेज के माध्यम से बच्चों को ले जा सकते हैं। अब हम एक वर्कशीट का एग्जाम्पल देखें और एक बाइट साइज का भी किसी और आउटकम से रिलेटेड होगा तो वो भी हम प्रोजेक्ट कर देंगे। तो यहां हम देखेंगे तो ये वर्कशीट है। जिसमें पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी लीव को हम टच करते हैं तो उसका टेक्सचर हमें कैसा फील होता है, उसके लिए, उसके कलर के लिए, तो सेम लर्निंग आउटकम से संबंधित वर्कशीट है। अब हम असेसमेंट शीट पे आ जाएं। तो ये असेसमेंट शीट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बच्चों को जवाब देने हैं। वर्कशीट का जो फ्लेवर है वो ये है कि बच्चे सच में हम ऐसे कुछ एक्टिविटीज हों जिसमें बच्चे करके भी देखें या आइडेंटिफाई करके देखें, या कुछ जैसे अरोमा से संबंधित है तो वो उसको सूंघ के देखें। और वर्कशीट असेसमेंट शीट में वो क्वेश्चन आंसर की तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर से ठीक है। अब एक बाइट साइज वीडियो का हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्री स्कूल 1 में हम जा रहे हैं, डेवलपमेंटल गोल 2 में।
या थ्री में जा सकते हैं। यहां हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है, एग्जिबिट्स फाइन मोटर स्किल्स एंड सिंपल आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक स्क्रिबलिंग प्रिंटिंग एक्सेट्रा। तो यहां किसी पे भी हम क्लिक करें, सारे बाइट साइज वीडियोज ही हैं। नमस्ते, आज हम वेजिटेबल पेंटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली है। देखिए, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, बैंगन लिया है, करेला है और भिंडी है। और मैंने सबके जो ऊपर के हिस्से यानी डंठल का हिस्सा है उसे काट लिया है, ये देखिए, और इसका भी। यहाँ पे एक प्लेट में कुमकुम और हल्दी है और पानी है। हमें इनको पानी डाल के मिक्स करना है और फिर इनके प्रिंट इस पेपर पे लेने हैं। अब हम बैंगन का ये डंठल लेंगे और हल्दी में डिप करेंगे, ये देखिए ऐसे। और ये ली मैंने प्रिंट, देखिए आपने, ये क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये सन दिखाई दे रहा है, क्या आपको दे रहा है? अब हम मिर्ची को लेते हैं। ये मिर्ची का जो डंठल है इसको हमने कुमकुम के पानी में डिप कर लिया, ये देखिए अच्छे से आपको डिप करना है ऐसे। अब हम इसकी प्रिंट लेते हैं यहाँ। क्या लग रहा है ये फूल, वाह। अब मैंने करेले का डंठल लिया, अब मैं इसको हल्दी और कुमकुम के मिक्स पानी में डिप करती हूँ। ये ऑरेंज कलर हो गया, राइट, ये देखिए ऐसे। चलिए हम इसकी प्रिंट लेते हैं, क्या है ये, कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है ये? मुझे तो ये फूल लग रहा है। अब हम भिंडी लेंगे, ये देखिए भिंडी का डंठल है, इसको हम कुमकुम में डिप करेंगे और इसका कुछ बनाएंगे। इसकी क्या बना रहे हैं हम, ये देखिए, वापस से मैंने कुमकुम में डिप किया और ये क्या बना रहे हैं हम, कुछ अच्छा सा डिजाइन। देखिए क्या बनाया हमने। तो आपको ऐसे ही वेजिटेबल पेंटिंग करनी है, लेकिन आपने देखा मैंने कोई भी सब्जी वेस्ट नहीं की है, मैंने सारे सब्जी के डंठल इस्तेमाल किए हैं। तो आपको भी ऐसे ही सब्जियों के डंठल से पेंटिंग बनानी है, फोटोज। तो ये एक एग्जांपल था। इस तरह के और रोचक बाइट साइज वीडियोस आपको इस पे देखने को मिलेंगे, और सभी स्टेट एंड यूटीज को भी ये FLN जो का पेज है या वर्टिकल है अपने टेनेंट्स पे हमें बनाना है, ताकि रीजनल भाषाओं में भी कंटेंट हम उपलब्ध करा सकें, बच्चों को उनकी मातृभाषा में कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो ये था फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के कंटेंट के बारे में। अडल्ट एजुकेशन वर्टिकल और एक बार हम दिखा दें, और उसके बाद मे बी वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर फॉर फ्यू मिनट्स इफ देर आर स्टिल सम क्वेश्चंस। जब तक आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आई कैन लुक एट क्वेश्चंस इफ एनी। मोनिका, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है चैट बॉक्स में जो रह गया है? आप चैट बॉक्स में अभी भी कर सकते हैं क्वेश्चन। मैम, आई कुडंट सी, ओनली वी हैव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर योर सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। ये अडल्ट एजुकेशन वर्टिकल है, तो इस पे अगर हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें नीचे हम स्क्रॉल करें तो अभी, क्योंकि इट्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो कुछ फीचर्ड कंटेंट डले हुए हैं।
वीडियोस हैं और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे. एक वीडियो हम प्ले करके देखेंगे, लेकिन इसके जो सेगमेंट्स हैं अडल्ट एजुकेशन के वो हम देख लें. प्रमोशनल मटेरियल ऑन अडल्ट एजुकेशन, ये सेगमेंट नहीं है, प्रमोशनल मटेरियल हम डालेंगे ही. तो अडल्ट के लिए भी फाउंडेशन नीड्स जो होती हैं वो बच्चों की नीड्स से अलग हैं, उनका सीखने का तरीका अलग है. बच्चों के लिए हम पेडागोजी अडॉप्ट करते हैं, अडल्ट्स के लिए एंड्रागोजी अडॉप्ट करते हैं, और उनके लिए एग्जाम्पल भी भिन्न होते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं, जो कि आपको एक आध वीडियो जब आप देखेंगे समझेगा, समझ में आएगा. बच्चों को डिजिटल लिटरेसी डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अडल्ट्स के लिए डिजिटल लिटरेसी ही उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी है. तो वो डिजिटल लिटरेसी से संबंधित कंटेंट है, क्रिटिकल लाइफ स्किल है, वोकेशनल स्किल है, और बेसिक एजुकेशन का कंटेंट है, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कंटेंट है. एक बार जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम हर चीज से रिटायर हो गए हैं, लेकिन लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. उसके बाद भी हम अपनी रुचि के अनुसार अपनी लर्निंग को आगे ले जा सकते हैं. और अडल्ट जो पढ़े लिखे अडल्ट भी हैं, यहाँ अडल्ट के अंदर हमारा पर्पस केवल ये नहीं है कि इलिटरेट अडल्ट हैं. 15 साल के बच्चे से लेके किसी भी उम्र का व्यक्ति हमारे लिए अडल्ट लर्नर है. वो पढ़ा लिखा रिटायर्ड व्यक्ति भी अडल्ट लर्नर है हमारे लिए, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को परस्यू कर सकता है बाय परस्यूइंग लर्निंग विच रिलेट्स टू हिज और हर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. कोई हाउसवाइफ भी है जो पढ़ी लिखी है, लेकिन वो अपने कोई कुकिंग स्किल को इनहेंस करने के लिए ही, अपने डिजिटल स्किल्स को इनहेंस करने के लिए कोई कोर्स करना चाहती है, तो उस तरीके के कोर्सेज भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे और लर्निंग मटेरियल उपलब्ध होगा. तो ये भी सभी स्टेट्स को इस दिशा में कार्य करना है. तो यहाँ हम कोई एक वीडियो प्ले करके देख सकते हैं जो अडल्ट एजुकेशन के, आपने बच्चों के लिए जो फाउंडेशनल स्टेज के स्टूडेंट्स हैं उनका कंटेंट तो देखा. लेट अस नाउ वॉच अ वीडियो विच रिलेट्स टू अडल्ट एजुकेशन. अभी ये लोड हो रहा है. हाँ, फीचर्ड में से देख ले सकते हैं, फीचर्ड से क्लिक करो. थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है, इसको फुल स्क्रीन करो. प्ले कर दो. नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्तर क पर कटाई सिलाई एवं पोशाक निर्माण के कार्यक्रम में आपका स्वागत है. मैं हूं उर्मी और आज मैं आपको जानकारी दूंगी मशीन के सही तरीके से चलाने की तकनीक की. शिक्षार्थियों, यूं तो बाजार में बहुत अलग अलग कंपनियों की मशीनें होती हैं, लेकिन आप विचलित मत होइए क्योंकि हर मशीन के, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, उसके कल पुर्जे जो होते हैं वो एक से और उसको चलाने की भी तकनीक एक सी होती है. तो मशीन चलाते जब हम सिलाई करते हैं उससे पहले हमें कुछ क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जैसे हमें सुई को फिट करना पड़ता है. अब शिक्षार्थियों, आपको पता है कि मशीन की सुई जो है वो सिलाई की सुई से अलग होती है,
वो ऊपर गोलाकार होती है और नीचे आगे नुकीली होती है, वो एक तरफ से गोल होती है। और एक तरफ से बिल्कुल चपटी होती है। तो जब हम मशीन में सिलाई सुई को फिट करते हैं तो चपटी वाली तरफ से फिट करते हैं। मशीन में सिलाई फिट करने से पहले हम सुई के गज को ऊपर उठा लेते हैं, जितना भी उसको उठा सकते हैं, और जो चुटकी है उसको ढीला कर देते हैं। ये जो चुटकी है इसको हम ढीला कर देते हैं। उसके बाद हम सुई की जो एकदम फ्लैट वाली साइड है उसको हम इसमें अंदर डालना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुई वाले गज में एक खांचा होता है। तो हम सुई को उस खांचे में फिट करना शुरू करते हैं। जब एक बार वो फिट हो जाती है तो हम चुटकी को कस देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो सुई है वो अपनी जगह बैठ जाती है। अब सुई में धागा कैसे भरें हम? सुई के धागा भरने के लिए हम पहले रील को उसकी तीली पर लगाते हैं, उसके बाद उससे धागा खींच लेते हैं। फिर हम ये जो प्लेट्स हैं इनमें धागे को फंसाते हैं और ऊपर कुंडी में से निकालते हैं। हम इसको बंद कर सकते हैं, प्राची वी कैन स्टॉप इट। तो ये आपने देखा कि अडल्ट के लिए किस तरह की, अगर हम वोकेशनल स्किल की बात करें तो किस तरह के वोकेशनल स्किल से संबंधित हम वीडियो या कोर्सेज उनके लिए दे सकते हैं अडल्ट एजुकेशन वर्टिकल पे। डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड भी बहुत सारा कॉन्टेंट है, कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट है अडल्ट के लिए। तो ये सब कॉन्टेंट जिस कि उन्हें आवश्यकता है वो सब इस वर्टिकल पर उपलब्ध होगा, टू मेक आर अडल्ट्स आल्सो प्रोडक्टिव सिटीजंस फॉर द कंट्री। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई हैव कंप्लीटेड माय सेशन ऑन टाइम। इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस वी कैन टेक क्वेश्चंस। थैंक यू मैम। मैम एक रिक्वेस्ट थी लद्दाख टीम की तरफ से कि अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर दें अबाउट टुडेज वर्कशॉप इन ब्रीफ। टुडेज वर्कशॉप आगे क्या होगा? नवांग रिवाइंड शरफ जी से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना जो भी कहना चाह रहे हैं वो क्लियरली आप अनम्यूट करके कह दें। लद्दाख से नवांग जी, What do you want कि मैम आगे का ओवरव्यू दें या जो मैम ने अभी बताया है उसको सम अप कर दें? हेलो, हां जी नमस्ते। थैंक यू जी। माय नेम इज नवांग, आई एम जॉइनिंग फ्रॉम लद्दाख टीम। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सॉरी आई वाज लेट बिकॉज़ आई वाज, मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा सिमुलेशन से लेके एवरीथिंग के बारे में ये सब जानने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है मैम से कि थोड़ा सा आज का वर्कशॉप किसके बारे में था वो थोड़ा सा अगर फिर से एक छोटा सा ब्रीफ बताएं तो बहुत अच्छा होगा मैम। थैंक यू वेरी मच। ये जो भी डे की प्रेजेंटेशन है हमने एक पेज एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, सीआईटी की वेबसाइट पे है ना जी मैम? हाँ, सीआईटी की वेबसाइट पे उसका पेज है एंड यू विल गेट ऑल द प्रेजेंटेशंस देयर ऑन दैट पेज ऑफ एनसीईआरटी। और रिसोर्सेज भी आपको वहां पर उपलब्ध होंगे, जो जो भी रिसोर्सेज आज की इस सेशन में दिखाए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली आपका रिक्वेस्ट को लेना चाहूंगी जो आप जानना चाहते हैं। मॉर्निंग में इनॉग्रल सेशन था, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन था प्रोफेसर बेहरा ने लिया था, और वो जितने भी आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं नेशनल लेवल पे जो एनसीईआरटी ने सीआईईटी ने इन कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किए हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स के बारे में हमने चर्चा की थी। और ये जो सेशन था ये कितने प्रकार के डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनके फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। और बहुत सारे प्रकार के हमने रिसोर्सेज देखे जो आपको हमारे पेज पर मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं आपने अगर मिस किया है तो। और आगे का तो अब आप देख ही लेंगे कि आगे के आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे। यू ऑलरेडी हैव द शेड्यूल विद यू। I think I have answered your question. Yes, ma'am. I think. So, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. If any other participant has a question, they may raise the hand. Parvez ji, aap puchhiye, aap kya kehna chahte hain? Unmute kijiye aur puchhiye. Ji. थैंक्स अ लॉट। इंदू मैम से एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैम है क्या? है अभी? हाँ, बताइए बताइए। आई एम देयर। जी मैम, आई एम डॉक्टर परवेज फ्रॉम जे एंड के। जी परवेज मैम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन थी, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। मैम खाली एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो कार्टून स्लाइड में वो बायोडाइवर्सिटी वाला दिखाया, वो मिसिंग वन, आई मीन एक्सटिंक्ट स्पीशीज का, एक्चुअली मैम मेरा एक जगह पे लेक्चर है, तो खाली ये रिक्वेस्ट थी, क्या मैं आपका ये स्लाइड इस्तेमाल कर सकता हूँ वहाँ पे? बिल्कुल, ये एनसीईआरटी द्वारा ही बनाया गया है और हम सीसी बाय एसए लाइसेंसिंग के तहत अपना सारा कंटेंट रिलीज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू वेरी मच। अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, और बहुत सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आने वाला है, ये तो पहला सेशन था। नहीं मैम, ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती थी उनको बोलने में, ये एक्सटिंक्ट क्या है, एंडेंजर्ड वगैरह क्या है, तो आपने ग्राफिक्स या कार्टून दिखाया था, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय। नहीं, मैं ओवरऑल सेशन की बात कर रही हूँ कि अभी आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन सुनने को मिलेंगे। वो तो मेरी है, बट थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? वन हैंड वाज रेज्ड बट आई थिंक नाउ इट इज नॉट देयर। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी रूही जी, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछिए मैम। जैसे मैम ने बोला ये सारी एप्स हैं, जैसे HP5 है या स्टॉप मोशन है या कोई भी ऐप, तो उसका हमें मतलब फोटो भी चाहिए, क्योंकि जब हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, जब सर्च करते हैं, तो बहुत सारे एप्स आते हैं उसके आगे, तो हमें वही फोटो चाहिए कि हम उसी ऐप को हम डाउनलोड करें, बस यही सवाल है। ठीक है, तो स्टॉप मोशन स्टूडियो है जो हमने ऐप आपको बताया, पर उसका हम एक जो थंबनेल टाइप का फोटो आपके साथ शेयर कर लेंगे, यही चैट्स में ही डाल देंगे, ताकि आपको सुविधा हो जाए कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। माइंड मैपिंग का आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, आपको वही आउटपुट मिलेगा, उसके फीचर्स वही होते हैं। अब वो ऐप नहीं है, बल्कि ये आप पोर्टल से कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। Your request is well taken, ma'am. In any case, you can visit, I have provided a link in the chat box, CIT website. There all the PPTs for all the software are there with their link also, with their snapshots also, so that you can find it. And also we will, during the session, we will be sharing every aspect of it, so you don't have to worry about that, how will you find it. But still, I will share their proper names, maybe in the group itself by today evening. Right, ma'am? Okay, thank you, ma'am. From Ladakh, Tashi, sir, unmute yourself and ask. Yes, madam. I teach mathematics to middle classes and to 9th and 10th. So my job here is to create e-content for these different categories of students. Mm-hmm. And I would like to know, how can the today's different sessions be used in creating my contents? ये जब आपको different software का demo दिया जाएगा, तो उस software से, जैसे H5P software की मैंने बात करी, उससे किसी भी विषय का content हम develop कर सकते हैं। तो जब specific session होगा H5P पे, वहां आपको बताया जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर से हम सोशल साइंस का कंटेंट कैसे बना सकते हैं, मैथ्स का कैसे बना सकते हैं, साइंस का कैसे बना सकते हैं, और भाषा का कैसे बना सकते हैं। मैंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन में भी जो गेमिफाइड असेसमेंट H5P से दिखाया था, उसमें आपको दिखाया था कि वो सभी विषयों का कॉन्टेंट उसमें बनाया जा सकता है। तो यू विल हैव अ कंप्लीट सेशन वेयर इट विल बी टोल्ड टू यू हाउ यू कैन क्रिएट मैथमेटिक कॉन्टेंट यूजिंग H5P. ठीक है? Yes, madam. Yes, madam. Thank you. Thank you. Ma'am, there is a very good observation in the chat box. I would like to take that for another question. That is, अगले session से पहले lunch break होना चाहिए. हाँ, देख लिया मैंने. Lunch break बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जो चीज प्रीच करते हैं, हम वो चीज को फॉलो भी करते हैं, कि हमें आपको स्क्रीन पे बिठा के नहीं रखना है, बीच में ब्रेक देने हैं। इवनिंग में भी टी ब्रेक मिलेगा आपको, लंच ब्रेक भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दिल्ली से डॉक्टर नविंद्रा जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम।
हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल, और आप लोग खुद अपने आप को लंच से दूर रख रहे हैं। ओके इंदु मैम ने बताया कि गेमिफिकेशन के थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं, तो मैम ने जितने भी एग्जांपल दिए वो शायद प्राइमरी विंग से जुड़े हुए थे। बस मेरा ये था कि क्या हम इन्हें मिडल लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे भी हम और बेहतर तरीके से क्या हम प्रयोग कर सकते हैं इनका? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इस वर्कशॉप का उद्देश्य है विद स्पेशल रेफरेंस टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन, तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ज्यादा आप प्राइमरी के लिए लेकिन मिडिल के भी लिए थे। जैसे एक इतिहास का क्वेश्चन था उसमें गेमिफाइड कंटेंट में जो शांग नाम की सभ्यता के बारे में था, तो प्राइमरी का नहीं था। और जैसे हम गेमिफाइड क्विजेज भी बना सकते हैं जो किसी भी एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, तो हाँ किसी भी एज ग्रुप के लिए हम कॉन्टेंट बना सकते हैं। तो इंदु मैम मेरा ये है कि जब भी हमें गेमिफिकेशन के थ्रू असेसमेंट का जब सेशन हो तो थोड़ा सा सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी एक दो एग्जांपल मिल जाएं तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। ठीक है, आपका जब H5P का सेशन होगा तो उसमें आप ये अपनी डिमांड रख सकते हैं कि कैसे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मिडिल के लिए हम कंटेंट डेवलप करेंगे, एंड वी विल आल्सो टेल द रिसोर्स पर्सन टू कंसीडर योर रिक्वेस्ट। ये लो ले जाओ। मोनिका कुछ और है? जी जी हेलो मैम, हेलो 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 जी, हाँ जी पूछिए सर। जी मैम, मेरा एक सवाल ये है कि जो ई कंटेंट हम अभी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम इनिशिएट कर रहे हैं, और कि इसके द्वारा क्या हम बच्चों को रियलिटी से और कंक्रीट चीजों से दूर तो नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है मैम? क्योंकि एनिमेटेड जो चीजें हैं उनको चैलेंज नेचर में ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू द कंक्रीट चीजें या रियल लाइफ सिचुएशन, रियल क्लासरूम सिचुएशन, या जो चीजें कंक्रीट चीजों से उनको जानने को मिलता है वो क्या पॉसिबल है एनिमेटेड चीजों से और ई कंटेंट के द्वारा, इसके बारे में आपको क्या कहना है मैम? बहुत आपका सवाल अच्छा है, और शायद मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान इस बात का जिक्र भी किया था। हम कॉन्क्रीट को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है हमें डिजिटल कंटेंट के माध्यम से, बल्कि जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पर्यावरण में, उन एब्स्ट्रैक्ट को हमें कॉन्क्रीट की तरह दिखाना है, ना कि कॉन्क्रीट को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। अब आप सुन भी लीजिए आंसर, जैसे कि हमने वॉल्केनिक इरप्शन की बात बताई, क्या आप बच्चों को वॉल्केनिक इरप्शन दिखा सकते हैं कॉन्क्रीट? नो नो नॉट पॉसिबल। क्या आप डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तो वो बट इट एग्जिस्ट इन सम कॉन्क्रीट फॉर्म विच कैन नॉट बी शोन टू स्टूडेंट्स। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन मैम, मेरा ये वो था कि जैसे बहुत सारे कंटेंट्स, जैसे कि आपने अभी ट्रैफिक लाइट के बारे में जो वो कर रहे थे उसको दिखा सकते हैं, और बेस्ड ऑन बच्चे का जो भी है, फॉर एग्जांपल सिटीज में वो पॉसिबल है, मेरे जैसे लद्दाख के ऐसे फार फ्लंग एरियाज में वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी कॉन्क्रीट चीजों के द्वारा उसको भी दिखा सकते हैं, एनिमेटेड से ज्यादा वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा मैम? ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है आपके स्कूल कैलेंडर में और क्या चीजें आप उनको कॉन्क्रीट दिखा सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की भी बात करें तो कॉन्क्रीट आप उनको किसी रोड ट्रैवल पे ले जाके कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर एनिमेशन बनाए तो वो एनिमेशन, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि अपने आप में कंप्लीट रिसोर्स है, इट कैन बी एडेड और लिंक्ड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। लेकिन ऐसी चीजों से जो अब हम एनिमेशन दिखाते हैं, एक तो जिज्ञासा बच्चों के अंदर आती है, क्यूरियोसिटी आती है, और उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं ये कंटेंट देखने में, और उनका अटेंशन उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। बट वी
वो अपने आप में कंप्लीट रिसोर्स कोई भी नहीं है, वो एक पेडागोजिकल रिसोर्स है, ना कि कंप्लीट रिसोर्स। आपके पेडागोजी का पार्ट है, उससे कंप्लीट लर्निंग कभी भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि भाई रिसोर्स अपने आप में कंप्लीट लर्निंग है, तो फिर तो टीचर की भूमिका खत्म हो जाएगी, बच्चे रिसोर्सेज ही प्ले कर करके देखेंगे। इट शुड ऑलवेज बी लिंक्ड टू हैविंग डिस्कशंस विद दी स्टूडेंट्स, गिविंग देम मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स एंड गिविंग देम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑल्सो वेयर एवर पॉसिबल एंड just linked to the concrete situations also. Thank you, ma'am. Thank you. Hello. Yes, Pooja ma'am. मैं ये जानना चाहती, थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे मैम ने अभी कहा है कि सिमुलेशंस में हम रियल लाइफ के करीब जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, तो जो सिमुलेशन है उसको बनाने के लिए हम एनिमेशन को यूज कर सकते हैं या और कोई टूल यूज करना पड़ेगा? देखिए, सिमुलेशन जो है, जो बहुत ही फाइन टेक्नोलॉजिकली साउंड सिमुलेशन है, वो विदाउट ट्रेनिंग नहीं बन सकते हैं। ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी क्लियर कर दिया था। उसके लिए हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जो एनसीईआरटी की किताबों में हमने सिमुलेशंस बनाए हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट बनाया है, वो एक यूनिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया है, और ये बिट्स पिलानी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद से बनाया है। लेकिन जो एकेडमिक्स का रोल उसमें होता है, वो ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर जानता है, जरूरी नहीं है कि वो विषय भी जानता हो, तो उस विषय को कैसे प्रोजेक्ट करना है, वो सिमुलेशन हमारा कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए हम उनको मदद करते हैं। तो वो टीम में सॉफ्टवेयर के जो ज्ञाता हैं, जानने वाले लोग, प्लस एकेडमिक लोग, जब तक ये टीम नहीं होगी हम एक बहुत अच्छा ई कंटेंट नहीं बना सकते हैं। यहाँ आपको जो स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, हमारे स्मार्ट बोर्ड में प्री लोडेड कॉन्टेंट मिलता है, उसमें बहुत गलतियां होती हैं क्योंकि मदद नहीं ली गई होती है, टीम में एकेडमिक लोग नहीं होते हैं। जैसे एक स्मार्ट बोर्ड में एक कॉन्टेंट था जो कॉन्सेप्ट तो सर्कल था, लेकिन उसमें जो ई कॉन्टेंट दिखा रहे थे वो स्पेयर था। तो वहां हम मिसकॉन्सेप्शंस डेवलप करें, सर्कल के नाम पे दिखा रहे जो स्पेयर, तो क्या मैं उसको एनिमेशन मान सकती हूँ? क्योंकि एनिमेशन में आपने कहा कि मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स होती है ये बताया, और लेकिन मैंने सिमुलेशन में बताया एक नियर टू रियल किसी भी प्रक्रिया को बताना, ना रियल नहीं बट नियर टू रियल डिपिक्शन ऑफ एनीथिंग। ओके मैम, दैट इज सिमुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने उसको सिमुलेशन का नाम दिया। ओके, और उसको आप एनिमेशन भी कह सकते हैं, अमीबा वाला यू आर राइट, इट कैन बी कॉल्ड एन एनिमेशन ऑल्सो, बट सिमुलेशन हम उसको इसलिए बोल रहे हैं कि वो नियर टू रियल एक एक्सपीरियंस आपको दे रहा है एक प्रक्रिया का। ठीक है, थैंक यू मैम। शैल वी वी आई थिंक लंच, हां वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट मैम विल आल्सो बी जॉइनिंग इन वन मोर सेशन विद अस, सो आई थिंक वी कैन टेक इट देयर अ फ्यू क्वेश्चंस सिंस एवरीबॉडी इज 3:45 पे एक और सेशन होगा जो रिलेटेड ही होगा सेम इससे, तो उसमें मे बी वी कैन हैव मोर टाइम फॉर एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस, अदरवाइज भी हम एड्रेस करेंगे, चैट में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, सो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो आई थिंक वी विल क्लोज दिस सेशन हियर एंड वी विल ब्रेक फॉर लंच। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू जॉइन बैक एट 2:10 सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन, सिंस वी आर ऑलरेडी स्लाइटली लेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, बट नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज दिस। So you can join back at 2:10 for the next session, which is on assistive technologies, and our head of department will be taking that session. So please be on time for the session and join with your proper names as I have suggested. And I also thank Indu ma'am on my behalf and on behalf of all the participants for this showing this variety of resources to all of us and talking about each of them and guiding us about each of the type so that we can understand its usage also along with the creation part of it.
Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. We have a lot of appreciation for you in the chat box, which I saw that there were no question, only a lot of appreciation was coming. That shows that Dr. Monica. Thank you, Dr. Monica, and thank you all who are attending this session for their appreciation and also questions. Thank you. Now we'll meet again at 2:10. So please join on time. Thank you. अच्छा नहीं है बनाने के लिए।